तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर बना रहे हैं सबसे पहला वीडियो। हमारे चैनल का नाम है विंडो सीट, और चैनल का नाम विंडो सीट रखने का कारण है कि जिंदगी में विंडो सीट बहुत ज़रूरी है, और हम सब जानते हैं कि हमको विंडो सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जीवन में। ताकि मेरे ख्याल से विंडो सीट एक लाइफ फ्रेम है जिसमें तस्वीरें बदलती रहती हैं, और ऐसा ही कुछ हमारे चैनल का ये ऐसा ही सोच के मैंने अपने चैनल का नाम रखा है विंडो सीट, जिसमें आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम कोई टाइप कास्ट नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हमने इस चैनल का नाम रखा है विंडो सीट। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की पहली वीडियो में, और जिसमें हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक बहुत छोटी सी डिवाइस, जो आपके किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए। क्योंकि मुझे अलग अलग तरह का खाना बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मुझे इस डिवाइस की काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैंने इसको पहले ही जो है खोल के रख दिया, ताकि टाइम जो है वो हमारा थोड़ा सा सेव हो जाए। तो यहाँ पर निकलते हैं, एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी डिवाइस, डिजिटल किचन स्केल, जिसका मॉडल है KS106। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह की ये डिवाइस यहाँ पर दिख रही है आपको, उसी तरह का ये बॉक्स में भी है या नहीं चेक करते हैं। यहाँ पर 1 ईयर की वारंटी इस पर मिली है आपको, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही कम कीमत का है, और उस पर 1 साल की वारंटी, मतलब कि सोने पर सुहागा। तो हम इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें हमको यहाँ पर, तो ये हमारा बिल है, तो हम इसको हटा देते हैं, साइड में रखते हैं। और ये हमारी डिवाइस आ गई है। इसको खोलने से पहले हम इस बॉक्स के पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर डिटेल है ब्रांड की, कौन सा ब्रांड है और क्या है, काफ़ी कुछ है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं सीधा, हाई एक्यूरेसी सेंसर है इसमें। उसके बाद है एंटी स्किड, जो है पैड है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है उसका मतलब। वैसे आप सभी पढ़े लिखे, आपको पता होगा, फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि एंटी स्किड पैड का मतलब है ये चीज़, जहाँ पर कि आप अपना सामान, जिसके भी आपको वो वेट चेक करना है वो रखेंगे, तो वो स्लिप नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा रफ है ये, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद है यूनिट कन्वर्शन, जो है वो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट कन्वर्शन का मतलब है, यहाँ पर आप दो तरह के यूनिट के जो है साइन आपको मिल जाते हैं। पहला है जी, जिसका मतलब है ग्राम, और दूसरा है OZ, जिसका मतलब है ओंस, जो कि इटालियन मेजरमेंट यूनिट है। इंडिया में ग्राम चलता है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम वेइंग करेंगे इस पर, वो ग्राम के ही होंगे। उसके बाद आप अगर आप यहाँ जाते हैं, तो सॉलिड मेजरमेंट जो है, मतलब कि काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है। तो आप अगर कभी बाहर जा रहे हैं, सपोज़ ये आउटडोर हैं, और आपको चाहिए कि मुझे अपना जो फूड है उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट मुझे मेजर करके ही लेने हैं, तो आप इसको ले जा सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है। उसके बाद है यहाँ बहुत ही यूनिक फीचर इसका, लगता है मुझे कि लो बैटरी इंडिकेटर भी है इसमें, जो कि 200 रुपीज़ की डिवाइस में तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, पर है। लार्ज LED डिस्प्ले है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये LED डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटे नंबर्स नहीं दिखेंगे, तो इट्स गुड। उसके बाद है ओवरलोड इंडिकेटर भी है, वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो बताई गई है, उससे ज़्यादा अगर आप इस पे वेट रखेंगे तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद है टेयर फंक्शन, ये यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं, इसका क्या यूज़ है हम अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। मैक्सिमम लोड जो कंपनी ने क्लेम किया है वो है 10 kg, बट आई डोंट नो, अभी तक हमने इस पर 10 kg चेक नहीं किया है। ईजी टू क्लीन है, तो देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, तो क्लीन करना इतना कुछ बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल किचन में स्पेस की वैसे भी काफ़ी ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि काफ़ी कम स्पेस मिलता है, तो ये छोटी सी डिवाइस कहीं भी फिट हो जाएगी। और क्योंकि ये बैटरी से चलती है, तो इसलिए वायर का झंझट भी नहीं है।
और ये दो सेल जो है जिसको हमने ऑलरेडी खोल लिया है टाइम बचाने के लिए, ये भी इसके साथ ही आए थे फ्री। नहीं भी है तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। पर ये कितने समय तक चलेंगे वो हमें, इसके बारे में हम जब तक यूज़ नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाकर डालूंगी कि ये सेल कितने समय तक चल। अब आ जाते हैं इन चार पॉइंट्स पर। तो ये चार पॉइंट्स इसलिए है ताकि आप जब इस वेइंग स्केल का यूज़ करें तो इसे बहुत ही फ्लैट जो है सरफेस पर रखें, ताकि जो वेट है वो फ्लैक्चुएट ना हो। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ऑफ। अब हम इसको करते हैं ऑन, तो ये कैलिब्रेट हो चुका है। और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो ग्राम में हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो ये जो है एक प्रोडक्ट है, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा रफ़ है तो चीज़ें स्लिप नहीं होंगी, तो ख़ास तौर से इस तरह के प्रोडक्ट स्लिप नहीं हो, इस तरह की जो पैकेजिंग है उसके लिए अच्छा है। तो ये लगभग है 500 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको रखते हैं इस पर और चेक करते हैं 514 ग्राम आया है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पैकेजिंग है इसकी जो है वेट हो सकता है 14 ग्राम। थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो हमारा स्केल है वो बहुत फ्लैट सरफेस पर नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 1 kg 726 ग्राम जो है इस प्रोडक्ट का वेट है, इसमें जो सामान है उसका वेट है। तो चेक करते हैं, लगभग 2 किलो के बराबर है। तो हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा, वो उसका डिफरेंस का कारण मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तो ये जो है अनइवन सरफेस पे रखा हुआ है, दूसरा कारण ये है कि जो पैक जिसमें हुआ है वो पेपर है, तो कुछ वेट पेपर का भी है। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जो टेयर है इसका क्या मतलब है। तो जो टेयर है इसका मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा, 1/2 kg इसका वेट था, ठीक है, और इसके बाद मैंने जब इस बटन को दबाया तो यहाँ पर जो इसका वेट आया था वो निल हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर यही दूसरा वेट भी रख देते हैं तो इसका सेपरेट वेट हमको मिल जाता है। और जब अगर इसी तरह से हम 3-4 अलग अलग चीज़ों का वेट इस पर जो है देख सकते हैं, तो अब इन दोनों का टोटल वेट कितना है वो हमें मिल जाएगा। वो हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें इन दोनों को यहाँ पर उतार देना है, तो हमको दोनों अलग अलग जो है वेट, सॉरी यहाँ पर मशीन का मोड ऑफ करना भूल गई थी मैं, तो इसलिए फिर से हमको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है टेयर फंक्शन जो है चेक कर रहे थे तो उसका सही वेट हम नहीं ले पाए थे, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक बार। तो ये आपने ऑन किया, इसको कैलिब्रेट हो गया है। इसके बाद आपने, मैंने अपना पहला हैवी प्रोडक्ट रख दिया है इस पर, तो आप उसका वेट देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद मैंने इस बटन को दबाया, 0 हो गया। उसके बाद मैंने अपना दूसरा प्रोडक्ट इस पर रख दिया है, उसका सेपरेट वेट यहाँ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम प्रोडक्ट को हटाएंगे, तो हमें दोनों प्रोडक्ट का टोटल वेट यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने पहले जैसे मैंने गलती की थी वैसे करेंगे तो वेट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने बिना इस बटन को दबाए दोनों प्रोडक्ट हटा लिए तो आपका वेट नहीं मिलेगा आपको, कि आपके दोनों प्रोडक्ट का या दोनों जो आपने सामान वे किए थे उसका कितना वेट इस पर है। तो ये छोटी सी डिवाइस, यही चीज़ें जो है इसमें मुझे काफ़ी यूनिक भी लगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मोड बटन है जिससे आप ग्राम से ओंस और ओंस से ग्राम पर जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है ये ऑफ बटन, तो आपने ऑफ कर दिया है। तो लगभग अभी हमने इस पर 2-2.5 किलो वजन ले लिया है मशीन, और काफ़ी ईजीली मशीन ने उस वजन को मेजर करके बता दिया है। एक और प्रोडक्ट हमारे पास है, ये हमारी एक आयन है जिसका वेट लगभग 600
25 ग्राम के आसपास है। देखते हैं कितना वेट ये सही बताता है या नहीं। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है और इसका वेट जो है वो 555 होता है। तो इसके साथ कॉर्ड भी है इसकी, उस कॉर्ड को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने कॉर्ड जो है वो यहाँ पर इसके साथ समेट के रख दिया है, तो इसका 650-57 ग्राम वेट आ रहा है। हो सकता है उसका कारण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा अनइवन सरफेस पे है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट वेट देती है। और ये हमने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। एक चीज़ और जो आपको नोट करनी चाहिए कि ये जो है ऑफ़र प्राइस चलता है, तो इसकी रेट जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। हो सकता है आपको जो मैंने बताया है उससे कम दाम में भी मिले या उससे ज़्यादा में भी। तो रेट को लेकर जो है कंफर्मेशन नहीं है। साइट पर जो रेट अवेलेबल है वो कुछ 650 समथिंग के आसपास है, लेकिन फिलहाल जो हमको मिला है 204 रुपये में। तो हमारा ये वीडियो हम आज यहीं समाप्त करते हैं। हो सकेगा तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इसी तरह के यूज़फुल प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग बताते रहें। और अनबॉक्सिंग और जो रिव्यू है वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि हम खुद इसे यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्लिपकार्ट का वैसे तो आप सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर जो है लिंक क्लिक करके देख सकते हैं कि अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सलाम। नमस्ते।